नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 10 जुलाई दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सरकारी स्कूलों में अब हर दिन होगी आईसीटी लैब की पढ़ाई। बिहार में बाढ़ की समस्या को दूर करने के लिए केंद्र सरकार की पहल। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए स्पेशल ट्रेन का हो रहा संचालन। प्रदेश के इन जिलों में आज भारी बारिश की है संभावना। व्हाट्सएप कैमरा में मिलेगा जूम कंट्रोल करने का फीचर। T20 वर्ल्ड कप 2024 में बुमराह ने अपने नाम की बड़ी उपलब्धि। अब चलिए बढ़ते अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। SSC ने 10वीं पास के लिए 8000 से भी अधिक पदों पर निकाली भर्ती। SSC ने 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए भर्ती निकाली है। ये भर्ती कुल 8326 पदों पर आई है। यदि आप 10वीं पास हैं तो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 27 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए आपको ssc.gov.in पर जाना होगा। आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा पास करनी होगी, साथ ही फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी पास करना होगा। चयनित उम्मीदवारों की सैलरी 18 से 22,000 रुपये होगी। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। सरकारी स्कूलों में अब हर दिन होगी आईसीटी लैब की पढ़ाई। सरकारी स्कूल के बच्चों को हर दिन आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में पढ़ाई का निर्णय लिया गया है। इसके लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि विज्ञान शिक्षकों को आईसीटी लैब चलाने के लिए प्रशिक्षण मिल चुका है। शिक्षा विभाग द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार हर दिन कम से कम 50 बच्चे प्रारंभिक विद्यालयों के आईसीटी लैब की कक्षा में शामिल होंगे। वहीं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में बच्चों की संख्या 100 रखी गई है। बिहार में बाढ़ की समस्या को दूर करने के लिए केंद्र सरकार की पहल। बिहार समेत अन्य जगहों पर आने वाली बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए योजना बनाई जा रही है। इसकी जानकारी केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी द्वारा दी गई है। उन्होंने कहा है कि बिहार समेत अन्य प्रदेशों में बाढ़ की समस्याओं को दूर करने के लिए एक विशेष कार्य योजना तैयार की जा रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने ये बातें मीडिया से बातचीत के दौरान भाजपा द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह के दौरान कही है। आगे उन्होंने कहा कि बिहार में बाढ़ से बचाव और बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए भारत नेपाल सीमा पर एक हाई डैम का निर्माण करवाया जाएगा। इसके लिए इंजीनियरों का एक दल तकनीकी रूप से अध्ययन कर रहा है। सस्ते में बिहार पर्यटन का सुनहरा अवसर। बिहार में पर्यटन विभाग द्वारा पटना, पावापुरी, ककोलत, नालंदा, राजगीर और बोधगया के लिए एक दिवसीय टूर पैकेज चलाया जा रहा है। इसकी जानकारी IPRD बिहार ने शेयर की है। इन जगहों पर घूमने के लिए पर्यटकों को प्रति व्यक्ति 2600 रुपये चुकाने होंगे। एक दिवसीय टूर पैकेज के तहत सुबह 7 बजे से शाम के 8 बजे तक आपको भ्रमण करवाया जाएगा। इसके तहत पटना से बोधगया, विष्णुपद मंदिर, महाबोधि मंदिर, 80 फीट बुद्ध स्टैचू, अन्य दर्शनीय स्थल आदि भ्रमण के लिए ले जाए जाएंगे। इस दौरान पर्यटकों को सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच, शाम का स्नैक्स, पानी का बॉटल, पूरे दिन गाइड की सुविधा, टिकट और AC ट्रांसपोर्ट की सुविधा दी जाएगी। बुकिंग से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप 9801693189 या 9905653597 पर कॉल कर सकते हैं। BPSC तीसरे चरण के शिक्षक भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड हुआ जारी। बीते दिन BPSC तीसरे चरण के शिक्षक भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया। आवेदन करने वाले उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 19 से 22 जुलाई के बीच में होगी। इस परीक्षा के लिए 400 से भी अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। ये परीक्षा केंद्र प्रदेश के 27 जिलों में है। परीक्षा को लेकर सभी DM को सख्त आदेश दिए गए हैं। परीक्षा कदाचार मुक्त हो सके इसके लिए केंद्र पर जैमर व कैमरे लगाए जाएंगे। इसकी लाइव मॉनिटरिंग आयोग कार्यालय से की जाएगी। व्यावसायिक बैंकों की तरह ग्रामीण बैंकों के अधिकारियों व कर्मियों को भी मिलेगा वेतन। व्यावसायिक बैंकों के कर्मियों की तरह बिहार सहित बिहार के ग्रामीण बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों को वेतन और भत्ता दिया जाएगा। जो कर्मचारी वर्तमान में काम कर रहे हैं उन्हें इसका लाभ दिया जाएगा। साथ ही पेंशन धारकों को भी इसका लाभ मिलेगा। इससे करीब 1,00,000 कर्मचारियों और 30,000 पेंशन धारकों को लाभ मिल सकेगा। ग्रामीण बैंक में राष्ट्रीयकृत बैंक के वेतन और भत्ते लागू करने की अधिसूचना केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी कर दी गई है। ग्रामीण बैंकों को भी व्यावसायिक बैंकों की तरह लागू 12वां वेतन समझौता और 9वां संयुक्त पत्र एकमुश्त लाभ लागू किया जाएगा।
12 जुलाई को प्रदेश में यहां लग रहा रोजगार मेला। 12 जुलाई को दरभंगा में श्रम संसाधन विभाग द्वारा जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान 200 पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। जॉब कैंप का आयोजन 11 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक देखने को मिलेगा। इसमें 5वीं, 10वीं, 12वीं और ITI पास युवा भी भाग ले सकते हैं। जॉब कैंप में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ये बहाली अधिकतर होम हेल्थ केयर के पदों पर होंगी। इसमें शामिल होने के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने NCS के आधिकारिक वेबसाइट www.ncs.gov.in पर रजिस्ट्रेशन किया हो। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए स्पेशल ट्रेन का हो रहा संचालन। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए लाल कुआं और हावड़ा के मध्य और जयनगर से उज्जैन के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। गाड़ी संख्या 05060 लाल कुआं हावड़ा स्पेशल 11, 18 और 25 जुलाई यानी गुरुवार को लाल कुआं से दोपहर 1:35 पर खुलकर शुक्रवार को 9:10 पर हाजीपुर, 10:05 पर मुजफ्फरपुर, 11:12 पर समस्तीपुर, 12:35 पर बरौनी, दोपहर के 2:35 पर किऊल सहित अन्य स्टेशनों पर रुकते हुए रात के 9:30 हावड़ा पहुँचेगी। रात के 11:30 खुलकर शनिवार को सुबह 6:48 पर किऊल, 9:50 पर बरौनी, 11:40 पर समस्तीपुर, दोपहर के 1 बजे मुजफ्फरपुर, 2:18 पर हाजीपुर सहित अन्य स्टेशनों पर रुकते हुए रविवार को 1:55 पर लालकुआं पहुँच। गाड़ी संख्या 09092 जयनगर उज्जैन स्पेशल 9 जुलाई मंगलवार को जयनगर से रात के 10:05 पर खुलकर 11:30 दरभंगा, बुधवार को रात में 12:25 पर समस्तीपुर, 1:50 पर मुजफ्फरपुर, 3:15 पर हाजीपुर, 3:40 पर पाटलिपुत्र पहुंचेगी। बाढ़ के खतरों के बीच स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। प्रदेश में बाढ़ जैसे हालात बनते जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ऐसे में अलर्ट मोड पर आ चुका है। इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं, जहां बाढ़ की आशंका को देखते हुए सभी संभावित प्रभावित जिले आपदा से निपटने की हर तैयारी रखें। इस संबंध में सभी प्रमंडलीय आयुक्तों के साथ जिलाधिकारी और सिविल सर्जनों को भी निर्देश दिए गए हैं। मंत्री मंगल पांडे द्वारा कहा गया है कि प्रदेश के 15 जिले अति बाढ़ ग्रस्त होते हैं, इनका प्रभाव अन्य जिलों पर भी होता है। व्हाट्सएप कैमरा में मिलेगा जूम कंट्रोल करने का फीचर। व्हाट्सएप में एक और नया लेटेस्ट फीचर जुड़ चुका है। जब कभी आपने व्हाट्सएप चैट में जाकर कैमरे के ऑप्शन में कभी फोटो लिया होगा तो यहाँ जूम कंट्रोल का ऑप्शन नहीं मिलता था, लेकिन अब व्हाट्सएप में जूम कंट्रोल करने का ऑप्शन भी मिलेगा। इसकी जानकारी WA Beta Info द्वारा दी गई है। इसने इस नए फीचर के स्क्रीनशॉट भी सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर शेयर किए हैं। स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, साफ सुथरे माहौल के लिए हुई है व्यवस्था। बिहार के सरकारी स्कूलों में 3 स्तरीय व्यवस्था बनाई गई है। इसके जरिए स्कूलों में पठन पाठन, शिक्षकों, बच्चों की उपस्थिति और उपलब्ध सुविधाओं की निगरानी की जाएगी। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके और साफ सुथरे माहौल में बच्चे पढ़ाई कर सके, इसके लिए व्यवस्था की गई है। विभाग में इस काम के लिए अनुश्रवण कोषांग गठित हुआ है। विभाग ने पदाधिकारियों को कौन सी बातों का ध्यान रखना है, किसकी जाँच करनी है, इसको लेकर विस्तृत जानकारी दी है। बिहार में बाढ़ से निपटने के लिए NDRF की तरफ से बनी 14 टीमें। बिहार में लगातार बारिश हो रही है। इसी बीच वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से पानी डिस्चार्ज कर दिया गया है, जिस वजह से गंडक नदी में उफान भर चुका है। इसे देखते हुए प्रशासन अलर्ट है। साथ ही पटना के बिहटा स्थित 9वीं बटालियन NDRF पूरी तरह से तैयार है। NDRF की तरफ से 14 टीमें बनाई गई हैं ताकि बिहार में बाढ़ से बचा जा सके। इन 14 टीमों में से 9 टीमें मुख्यालय में रिजर्व के तौर पर हैं। इसके अलावा अन्य 5 टीमों को बाढ़ से निपटने के लिए कई जिलों में रवाना कर दिया गया है। प्रदेश के अल्पसंख्यक युवा निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए इस दिन तक करें आवेदन। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना के तहत अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों को निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले अभ्यर्थियों की उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, साथ ही इनकी सालाना आय 4.5 लाख रुपए से हो। बिहार सरकार के इस योजना के तहत 24 ट्रेड में बिहार के अल्पसंख्यक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके तहत 20,610 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया जाना है। यदि आप भी योजना के तहत प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम की वेबसाइट www.bsmfc.org पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन करने की अंतिम तारीख 26 जुलाई है। प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे, साथ ही सफल अभ्यर्थियों को नियोजन प्लेसमेंट का लाभ भी मिलेगा। सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में बिहार से दो और लोगों को किया गिरफ्तार। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई का एक्शन लगातार जारी है। अब इसी क्रम में मंगलवार को इस मामले में सीबीआई ने बिहार से दो और लोगों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में से एक व्यक्ति सन्नी खुदे का अभ्यर्थी है, जबकि रंजीत नाम का दूसरा शख्स किसी अन्य परीक्षार्थी का पिता बताया जा रहा है। दोनों की गिरफ्तारी नालंदा और गया जिले से की गई है। बता दें कि पेपर लीक मामले में अभी तक इन दोनों सहित कुल 11 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं। इनमें बिहार से 6, महाराष्ट्र में लातूर से एक, गुजरात के गोधरा से एक और उत्तराखंड के देहरादून के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। बिहार सरकार के मंत्री ने बताया पटना में कब दौड़ेगी मेट्रो। पटना में कब से मेट्रो दौड़ेगी इस संबंध में बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग के नितिन नवीन ने जानकारी दी है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि हम लोग इस प्रोजेक्ट की समीक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2025 में फर्स्ट फेज को पूरा करने का टारगेट दिया है। हम लोग इसको ही मानकर काम कर रहे हैं। काम को लेकर कई तकनीकी चीजें हैं, उसका हम लोग समाधान करने में लगे हैं। चालू वित्तीय वर्ष में बिहार की विकास दर 2 अंकों में रहने का है अनुमान। बिहार की विकास दर चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2 अंकों में रहने का अनुमान लगाया गया है। आपको बता दें कि बीते कुछ सालों से देश में तेजी से विकास करने वाले राज्य के रूप में बिहार की छवि उभर रही है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के मुताबिक बिहार सहित देश के शीर्ष 18 राज्यों की विकास दर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 8-10% के बीच में रहेगी। चालू वित्तीय वर्ष में केंद्रीय कर हस्तांतरण में 12-13% की वृद्धि होने की उम्मीद है। यदि ऐसा होता है तो यह अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण कारक साबित हो सकता है। सीटेट परीक्षा में पकड़े गए फर्जी परीक्षार्थियों ने इस सरगना के नाम का किया खुलासा। सीटेट परीक्षा के दौरान कई फर्जी परीक्षार्थी पकड़ में आए हैं। इनकी जांच की जिम्मेदारी इंटेलिजेंस ब्यूरो को दी गई है। इन फर्जी परीक्षार्थियों का मुख्य सरगना मधुबनी जिले का खुर्शीद सिद्दीकी बताया जा रहा है। पुलिस इसकी तलाश में लगी हुई है। फर्जी परीक्षार्थियों ने पूछताछ के दौरान इसके मुख्य सरगना की जानकारी दी है। हालांकि इसके पकड़ में आने के बाद ही पता चल पाएगा कि इसके ऊपर भी कोई है या नहीं, इसके अकेले ही इतनी बड़ी साजिश के तहत इस कांड को अंजाम दिया था या नहीं। इन फर्जी परीक्षार्थियों ने छात्र छात्राओं से पैसे लेकर परीक्षा में शामिल होने पहुंचे थे, इसलिए जो मुख्य परीक्षार्थी ने जिन्होंने पैसे देकर फर्जी परीक्षार्थियों को बैठाया उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। बिहार से नई दिल्ली के बीच चलने वाली 3 जोड़ी ट्रेन में बढ़ेंगे एक जनरल कोच। बिहार से नई दिल्ली के बीच चलने वाली 3 जोड़ी ट्रेनों में रेलवे द्वारा एक जनरल कोच बढ़ाने की तैयारी है। ये फैसला यात्रियों की बढ़ती भीड़ और इस वजह से उन्हें और हो रही असुविधा को देखते हुए लिया गया है। जिन ट्रेनों में जनरल कोच लगेंगे उसमें सहरसा नई दिल्ली के बीच चलने वाली 1-2-5-5-3, 1-2-5-5-4, वैशाली सुपरफास्ट, जयनगर नई दिल्ली के बीच चलने वाली 1-2-5-6-1, 1-2-5-6-2 स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट और पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल नई दिल्ली के बीच चलने वाली 1-2-3-9-3, 1-2-3-9-4 संपूर्ण क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस शामिल है। इन सभी में से एक AC 3 टायर AC कोच की जगह एक एक जनरल कोच जोड़ा जाएगा। पीएमसीएच के ओपीडी में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को अब यहाँ मिलेगी निःशुल्क दवा। पीएमसीएच के ओपीडी में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को नई सुविधा देने की तैयारी है। दरअसल इन्हें अब ओपीडी के नज़दीक ही निःशुल्क दवा उपलब्ध करवाई जाएगी। मरीजों को दवाई के लिए पुराने दवा वितरण काउंटर की तरफ जाने की जरूरत नहीं होगी। इस संबंध में पीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर IS ठाकुर ने बताया है कि मरीजों की परेशानी को देखते हुए अब दवाइयों के वितरण की व्यवस्था नए ओपीडी भवन के पास ही की जा रही है। उन्होंने बताया कि 2 सप्ताह में ये व्यवस्था शुरू हो जाएगी। नए भवन में अभी तक 13 ओपीडी विभाग संचालित किए जा रहे हैं। 8 नए विभाग इसी महीने के अंत तक इसमें शिफ्ट कर दिए जाएंगे। प्रदेश के इन जिलों में आज भारी बारिश की है संभावना। बिहार के कई जिलों में लगातार बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग द्वारा मेघ गर्जन और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है। बारिश से लोगों
बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल रही है। आज प्रदेश में कई जगहों पर बारिश को लेकर संभावना जताई गई है। वहीं किशनगंज, मधुबनी, सीतामढ़ी और सुपौल में किया दो स्थानों पर अति भारी बारिश की संभावना है। वहीं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, अररिया, शिवहर, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली और बक्सर जिले में किया दो स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री के बीच रहने की बात कही गई है। वहीं न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री रहने की बात कही गई है। पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट हुआ जारी। 3 ट्रांसजेंडरों को भी मिली सफलता। पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा जारी किया जा चुका है। इस परीक्षा में शामिल हुए 1275 उम्मीदवारों ने बाजी मारी है, जिसमें 822 पुरुष, 450 महिला और 3 ट्रांसजेंडर का नाम शामिल है। आपको बता दें कि इस परीक्षा में 5,35,000 परीक्षार्थी शामिल थे। मुख्य परीक्षा के बाद 10 से 19 जून तक इस परीक्षा के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा था, जिसमें 1275 परीक्षार्थियों ने सफलता हासिल की। पूर्व डीएम मनीष वर्मा जदयू में हुए शामिल। जदयू में पटना के पूर्व डीएम आईएएस मनीष वर्मा शामिल हो चुके हैं। जदयू में पूर्व आईएएस मनीष वर्मा का कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, उमेश कुशवाहा और मंत्री विजय चौधरी ने स्वागत किया। आपको बता दें कि पूर्व में मुख्यमंत्री के परामर्शी के तौर पर मनीष वर्मा कार्य कर चुके हैं। इस दौरान उमेश कुशवाहा ने कहा कि मनीष वर्मा जी का प्रशासनिक अनुभव रहा है, इनका आना पार्टी के लिए और बेहतर होगा। मनीष वर्मा के जदयू में शामिल होने पर सभी ने उनका जोरदार स्वागत करते हुए बधाई भी दी। टी20 वर्ल्ड कप 2024 में बुमराह ने अपने नाम की बड़ी उपलब्धि। टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। इस उपलब्धि को अपने नाम करने के साथ ही जसप्रीत बुमराह ने रोहित शर्मा और रहमानुल्लाह गुरबाज को पीछे छोड़ दिया। इसके अलावा आपको बता दें कि भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीसरे टी20 का मुकाबला आज देखने को मिलेगा। ये मुकाबला शाम में 4:30 बजे होगा। दो टीमों के बीच का ये मुकाबला आप सोनी लाइव पर देख सकेंगे। दोनों में से कौन सी टीम का पलड़ा मुकाबले में भारी पड़ सकता है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के ही दिन वर्ष 1965 में महिलाओं के लिए पहला एनसीसी कॉलेज ग्वालियर में खुला था। आज के ही दिन वर्ष 1966 में वायुसेना के लड़ाकू विमान मेघ का महाराष्ट्र के नासिक जिले में निर्माण शुरू हुआ था। आज के ही दिन वर्ष 1972 में मुंबई के मझगांव बंदरगाह से पूर्ण वातानुकूलित पोत हर्षवर्धन का जलावतरण हुआ था। आज के ही दिन वर्ष 1986 में भारत ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हराकर लॉर्ड्स में पहली टेस्ट जीत हासिल की। आज के दिन वर्ष 2005 में भारत और श्रीलंका में शिक्षा एवं सामुदायिक विकास से संबद्ध 2 समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। आज के दिन वर्ष 2008 में केंद्र सरकार ने 3 सेनाओं के लिए एकीकृत स्पेस सेल की घोषणा की थी। बिहार पुलिस ने 2 लाख के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। 2 लाख के इनामी बदमाश को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी ज्वेलरी शॉप में लूट की योजना के दौरान की गई है। अपराधियों द्वारा बनाए गए इस योजना को भी पुलिस ने नाकाम कर दिया। दरअसल 5 अपराधियों ने सहरसा जिले के सदर थाना क्षेत्र से ज्वेलरी शॉप में लूट की योजना बना रहे अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान 2 लाख रुपए के इनामी अपराधी मनीष कुमार और उसके अन्य सहयोगी की गिरफ्तारी हुई है। इस दौरान छापेमारी में पुलिस ने 5 पिस्टल और 20 कारतूस भी बरामद किए हैं। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है, ये हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में सहकार से समृद्धि कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन ए है इंदौर, ऑप्शन बी है गांधीनगर, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है पटना। इसका सही उत्तर है गांधीनगर। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने महिला उद्यमियों के लिए लाइसेंस शुल्क में कितने प्रतिशत तक की छूट दी है? ऑप्शन ए है 65%, ऑप्शन बी है 73%, ऑप्शन सी है 80%, ऑप्शन डी है 86%। इसका सही उत्तर है 80%। हाल ही में आपदा प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए किस देश ने ALOS 4 उपग्रह लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है इटली, ऑप्शन डी है कनाडा। इसका सही उत्तर है जापान। बिहार में मॉनसून कहाँ से आता है? ऑप्शन ए है अरब सागर, ऑप्शन बी है बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन सी है हिंद महासागर,
ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बंगाल की खाड़ी। बिहार में पहला रेल मार्ग किन दो स्थानों के बीच था? ऑप्शन है दिल्ली से मुगलसराय, ऑप्शन बी है दिल्ली से पटना, ऑप्शन सी है मुगलसराय से कोलकाता, ऑप्शन डी है पटना से रांची। इसका सही उत्तर है मुगलसराय से कोलकाता। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दें उनके नाम है पंकज कुमार दास, विनय कुमार, गुनर शर्मा, रवि कुमार, प्रज्ञान राज, विनोद महात्मा, सादुल्ला पालवी, अनवर करीम खान, वेद प्रकाश सिंह, बाबूलाल मरांडी, श्याम सुंदर, परमिला कुमारी, मुन्ना प्रसाद, जितेंद्र ठाकुर, राजकिशोर महतो। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके क्षेत्र के सरकारी स्कूलों और अन्य सरकारी भवन साफ सुथरे हैं? यदि हाँ तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।